विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12 फेल एक आईपीएस ऑफिसर की प्रेरणादायक कहानी है जो 12वीं कक्षों की परीक्षा में फेल हो गया था। इसके बाद उसने अजीबो नौकरियां की, हर रात सिर्फ 3 घंटे सोया और यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए 4 बार बिना रुके बिना झुके खुद को रिस्टार्ट किया। देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा को पास करना आसान नहीं है, मुश्किल ही नहीं बल्कि ये कमजोर लोगों के लिए नहीं है। फिर चाहे बात पढ़ाई की हो या दृढ़ विश्वास की, दोनों ही मोर्चों पर यह परीक्षा आपको कई बार तोड़ती है। यही लड़ाई मनोज कुमार शर्मा की कहानी को असाधारण बनाती है। मध्य प्रदेश के चंबल के गांव का लड़का 12वीं की परीक्षा में फेल हो जाता है क्योंकि नए डीपीएस दुष्यंत सिंह शिक्षकों के छात्रों को बोर्ड परीक्षा में नकल करने से रोकते हैं। मनोज इसके अगले साल 3rd डिवीजन से बोर्ड एग्जाम पास करता है। वो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिल्ली पहुंचता है। उसके पास इस परीक्षा के लिए जरूरी लागत तो है लेकिन ऐसा करने के लिए पढ़ाई की वैसी कुशलता नहीं है। उसे तो ये भी नहीं पता कि यूपीएससी या आईपीएस प्रोफाइल जैसी कोई चीज होती है। मनोज आगे कैसे अपने गुरु दोस्तों और प्रेमिका श्रद्धा जोशी की मदद से अपने सपने को साकार करता है, फिल्म इसी की कहानी है। विधु विनोद चोपड़ा एक बेहतरीन फिल्मेकर है और उन्होंने ये बात एक बार फिर साबित की है कि 12th फेल का हर ट्रैक अपने आप में एक कहानी है। मनुष्य की गुमराह जवानी, सही गलत का पता नहीं होना, उसके संघर्ष और हर बार सुनने से शुरुआत। बतौर दर्शक आप खुद को मनुष्य की सफलता या असफलता में शामिल महसूस करते हैं। जब वो यूपीएससी के आखिरी चरण के लिए जाता है तो पर्दे का तनाव आपके जहन में भी बढ़ जाता है। शांत माहौल और बैकग्राउंड स्कोर आप अपनी सांसों में भी महसूस करते हैं। फिल्म की कहानी बड़े ही सहज और सरल भाव में बहती चली जाती है। ये एपीजे अब्दुल कलाम और बीआर अंबेडकर जैसे दिग्गजों को आइडल मानने वालों की याद दिलाती है। शिक्षित हो, आंदोलन करो, संगठित हो, फिल्म इस बात पर भी बड़ी बारीकी से रोशनी डालती है कि क्यों भ्रष्ट राजनेता चाहते हैं कि समाज के युवा मूर्ख बने रहे ताकि उन्हें दबाया जा सके और उन पर शासन किया जा सके। एक्टिंग के मोर्चे पर विक्रांत मेसी ने अपने किरदार को पूरे आत्मविश्वास के साथ निभाया है। वो हर मोर्चे पर अपने किरदार के साथ पूरा न्याय करते हैं। उसके अंदर गुस्सा है, वो असहाय है, वो दृढ़ निश्चय कर चुका है कि वक्त की धारा को अपने मुताबिक मोड़ कर ही दम लेगा। प्रियांशु चटर्जी ने डीसीपी के रूप में अपनी छोटी सी भूमिका में भी छाप छोड़ी है। इस किरदार के लिए उसकी ईमानदारी ही असली बहादुरी है। एक कलाकार के रूप में उनकी कुशलता उस सीन में देखने लायक है जहाँ वो अपने सीनियर अधिकारी के तौर पर मनोज से मिलते हैं। यहाँ उनका रिएक्शन एक सीनियर ऑफिसर के प्रति सम्मान और एक युवा की सही रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करने वाला है जो बेहतरीन लगा है। मनोज के माता पिता के रूप में गीता अग्रवाल शर्मा और हरीश खन्ना ने भी छोटे से रोल में पहचान छोड़ी है। 12th फेल एक ऐसी फिल्म है जिसे जरूर देखी जानी चाहिए। इसे आप टॉप क्लास फिल्मों की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। अपने 2 घंटा 27 मिनट के रन टाइम में फिल्म का हर सीन आपको प्रभावित करता है और प्रेरित करता है। तो फ्रेंड्स, मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 4 रेटिंग।